Assalamu alaikum and good morning level 3. How are all of you? I hope so that all of you are fine and you are doing your work in your home. Okay students, today we will start our new chapter of science, that is chapter number 10, unit number 10. The name of the chapter is soil. Soil hum kise kehte hain? Soil hum mitti ko kehte hain. So we will learn in this chapter about the soil. The content of this chapter is, first we will do the reading of this chapter, then we will do the activities of this chapter, after that we will do the question answers, then we will label the diagrams, and in the end we will do the multiple choice question. Okay students, now we will start our reading. Everyone take out your science book, open page number 61. Here is the chapter soil. This is unit number 10. Plant grow in fertile soil. Plants जो हैं वो grow करते हैं fertile soil में. Fertile किसे कहते हैं? जरखेज. जरखेज मिट्टी में plant grow करते हैं. अब जरखेज मिट्टी क्या होती है? ये हम आगे पढ़ते हैं. Next page open करें. Everyone take out page number 62. Soil. सबसे पहले हम पढ़ेंगे soil के बारे में कि soil क्या होती है. Land is covered by a thin layer of soil. जो हमारी जमीन है वो एक कवर हुई हुई है मिट्टी की एक थिन लेयर के साथ. In deserts and rocky places there is very little soil. Desert यानी कि सहरा में और rocky places में जो है बहुत थोड़ी सी मिट्टी होती है. Few plants grow in desert and rocky places. इसीलिए थोड़े से plants ही grow कर पाते हैं deserts में भी और rocky places में भी. Some soils are good, कुछ soils बहुत अच्छी होती हैं. Many plants grow in them, बहुत से plants वहाँ पे grow होते हैं. Such soils are called fertile soils. ऐसी soils को fertile soils कहते हैं, जरखेज मिट्टी कहते हैं, जहाँ पर plant grow करते हैं. ये आपकी साइड पे पिक्चर बनी हुई है, we will also read that. Healthy crops grow in fertile soil. ये हमारे खेत जो हैं, उगे हुए हैं fertile soil में, यानी कि जरखेज जमीन में. अब हम आगे पढ़ते हैं, how is soil formed? Soil बनती कैसे है? पहले हम इसको read करते हैं, उसके बाद हम आपको ये वाली diagram भी describe करेंगे. Soil is made from rocks. जो मिट्टी है वो बनती है rocks के साथ. Rock breaks into tiny pieces in different ways. जो rocks है वो छोटे छोटे pieces में, tiny का मतलब होता है छोटे छोटे pieces, यानी कि टुकड़ों में ब्रेक हो जाती है, यानी कि टूट जाती हैं. रॉक्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं और मुख्तलिफ तरीकों से. किन तरीकों से? अब हम इसको पढ़ते हैं. द हीट ऑफ द सन कैन मेक रॉक्स क्रैक. जो सन की हीट होती है वो भी रॉक्स को क्रैक करती है, तोड़ती है. रेन वाटर जो बारिश होती है वो इन क्रैक्स को फिल कर देते हैं. व्हेन द रेन वाटर इन द क्रैक फ्रीजेस. जो रेन वाटर होता है ठंड से जब वो इन रॉक्स के अंदर फ्रीज हो जाता है, क्रैक्स के अंदर फ्रीज हो जाता है, इट पुशेस द पीसेस ऑफ रॉक अपार्ट. वो क्या करता है? उन हिस्सों को, रॉक्स के उन हिस्सों को अलहदा कर देता है. स्ट्रॉन्ग विंड, तेज आंधियां, सी वेव्स, समुद्र की लहरें, एंड रिवर वाटर और दरिया का पानी कैन ऑल्सो ब्रेक रॉक्स. ये भी ब्रेक्स रॉक को तोड़ने में मददगार साबित होती हैं. समटाइम्स प्लांट्स रूट्स ग्रोइंग इन द क्रैक्स ऑफ द रॉक्स ऑल्सो ब्रेक द रॉक्स. बाज़ुकात क्या होता है कि जो प्लांट ग्रो करता है इन क्रैक्स के अंदर, जो उसकी रूट्स होती हैं, जो उसकी जड़ें होती हैं, वो भी रॉक्स को तोड़ देती हैं. ये अब हम इस डायग्राम को थोड़ा सा एलैबोरेट कर लेते हैं. हाउ रॉक्स आर फॉर्म्ड. कैसे रॉक्स बनती हैं? देखें, ये बारिश का पानी जो है यहाँ पर आ रहा है, ये हीट है, हीट मिल रही है, और ये हीट से जो है क्रैक्स आ रही है रॉक्स के अंदर, फिर पानी उसके अंदर फिल हो जाता है, इन क्रैक्स के अंदर पानी फिल हो जाता है. जब ये ठंडा होता है तो ये छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है. वट इज सॉइल मेड अप ऑफ. सॉइल कैसे बनती है? Soil is made up of many particles of different size. जो मिट्टी होती है वो बहुत सारे particles जो मुख्तलिफ sizes के होते हैं उनकी मदद से बनती है. It contains, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर stones होते हैं, sand होती है, clay होती है, और and the remains of dead plants and animals. और जो animals और plants जो मर चुके होते हैं उनके जज़ियात, उनके बाकी हिस्से भी इसके अंदर मौजूद होते हैं. Soil also contains, soil के अंदर
हवा भी होती है और पानी भी होता है सॉइल पार्टिकल्स के अंदर। ठीक है, आज हम लोगों ने पेज नंबर 61 और 62 की रीडिंग की है, कल हम लोग पेज नंबर 63 की रीडिंग करेंगे। हम एक्सपेरिमेंट भी करेंगे और आपको फर्टाइल सॉइल के बारे में भी बताएंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।